अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर बन सकता है। यहाँ पे न्यू बैचेस जो है एवरी मंडे आपको मिलेंगे, आप तैयारी कीजिए और कंपीट कीजिए। हज़ारों एस्पिरेंट्स हैं जो कि अनअकैडमी पे तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी आपको मिलेगा, स्ट्रक्चर कोर्सेज और उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर्स, कैसे आपको सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, डाउट सॉल्विंग भी आपका लाइव होता रहता है। ठीक है, एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ मिलती है, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पे कराया जाता है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। CSIR UGC नेट के लिए गजेंद्र पुरोहित, ज्योति कुमारी, वीरेंद्र सिंह, नेहा तेजना और बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी पे हैं जो आपका मदद करते हैं पढ़ने में। बैचेस जो कि है यहाँ पे हर मंडे को मैंने आपको बताया स्टार्ट होते हैं। एक्सेल बैचेस हैं आपका, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, जिनका ड्यूरेशन 3, 6, 12 और 24 मंथ का है। दोनों में आपको लाइव क्लासेस, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए तैयारी कराया जाता है। PDF नोट्स भी आपको मिलता है और टेस्ट सीरीज भी यहाँ है। तो आज ही इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, वहाँ पे आप जाइएगा, इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप पहुँचेंगे। जो भी आपको प्लान अच्छा लगे, या 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का या 24 मंथ का, उस प्लान को आप ले सकते हैं। और वहाँ पे आपसे मांगता है रेफरल कोड, जिसे यहाँ पे लिखा है ना, हैव अ रेफरल कोड, तो वहाँ पे आप डालिए BOTANY10, जो कि मेरे चैनल का रेफरल कोड है, तो आपको 10% का वहाँ पे इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। इकोलॉजी का पार्ट हमने खत्म कर लिया है, लाइकेन का पार्ट हमने खत्म कर लिया है, एनाटॉमी वगैरह का भी कुछ पोर्शन जो है हमने कवर कर लिए हैं। बायोकेमिस्ट्री हम देखते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एक MCQ एग्जामिनेशन है, आपको हर पार्ट पे फोकस करना है। क्वेश्चन हर जगह से आते हैं, केवल एक के तैयारी के दम पे आप ये एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं आपके 2008 से लेकर 2020 तक के। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो ये अमीनो एसिड से आया हुआ क्वेश्चन है। अमीनो एसिड्स आपको पढ़ाए जाते हैं UG 20 टाइप के, और फिर कहीं कहीं पे 21 टाइप का है, जैसे सेलिनोसिस्टीन वगैरह है। अब उसका आप देखेंगे अमीनो एसिड, उसके जो साइड चेन होता है उसके बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है, पोलर साइड चेन, एरोमेटिक साइड चेन, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, इनके बेसिस पे। तो आपसे पूछा है कि जो भी इसमें दिया है ट्रिप्टोफान, ल्यूसीन, एलनिन और ग्लाइसिन में कौन सा अमीनो एसिड आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है। तो आप सबके स्ट्रक्चर पे जाएंगे सारे अमीनो एसिड के, तो आपको देखने को मिलेगा कि सारे अमीनो एसिड में से फेनिलालनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान में क्या होता है कि आर ग्रुप में एरोमेटिक अमीनो एसिड प्रेजेंट, एरोमेटिक जो होता है साइड चेन होता है, और यही एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है। तो ये जहाँ कहीं भी आए आप लिखेंगे कि फेनिलालनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान क्या है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं। हमारे ऑप्शन में हमें मिलता है ट्रिप्टोफान, तो हम ट्रिप्टोफान के साथ जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ डाई एमिनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसेंशियल एमिनो एसिड इज, देखिए फिर से वही है एमिनो एसिड का, ये जो चार्ट मैं आपको दे रहा हूँ इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, या तो मैं आपको PDF तो प्रोवाइड कराऊंगा ही, उसमें से आप डाउनलोड कर लीजिए या गूगल करके आप इस फोटो को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पर आप काम कीजिए, एक तो 3 लेटर कोड है आपका वो याद कर लीजिए, 1 लेटर कोड है वो याद कर लीजिए, और जो साइड चेन है एमिनो एसिड जितने भी है, ये जो ऊपर का बैकबोन होता है ये सारे में सेम होता है, NH3HCCOO, ये सब में आप देखेंगे सारे अमीनो एसिड में ये जो बैकबोन है कॉमन रहता है। अब जो अमीनो एसिड जितने सारे हैं उनको जो डिफरेंशिएटिंग बनाता है फीचर, वो है उसका आर ग्रुप। आर ग्रुप ही सबका अलग होता है, इनको हम आर ग्रुप बोलते हैं, जैसे ग्लाइसिन में H, एलिन में CH3, वेरिन में CH CH3 CH3 है, तो यही इनको यूनिक बनाता है। और इन्हीं की प्रॉपर्टी के बेसिस पे इनको नॉन पोलर प्लस चार्ज वाले से, लाइसिन में आप देखेंगे यहाँ पे NH3 पे प्लस है, यहाँ पे भी NH2 प्लस है, और इधर हिस्टिडीन भी प्लस है, तो ये प्लस वाले ग्रुप में आते हैं प्लस चार्ज से। माइनस चार्ज वाला एस्पार्टिक एसिड है, यहाँ पे देखिए O पे माइनस लगा हुआ है, ग्लूटामिक एसिड पे यहाँ पे O पे माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस चार्ज वाला हो गया। आप पोलर वाले, पोलर वाले पे चार्ज आपको नहीं मिलेगा, तो वो पोलर होते हैं, जैसे OH हो गया, ये पोलर, यहाँ पे भी OH है, ये पोलर, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे CO की वजह से पोलरिटी है, यहाँ पे CO की वजह से पोलरिटी है, ठीक, ये पोलर हो गए।
और यहाँ पे आपको ये नॉन पोलर है, ठीक, मतलब इनमें ऐसा कुछ ना तो चार्ज है ना तो पोलरिटी है, तो ये नॉन पोलर वाले हो गए। तो तीन दो पांच, ये पांच पांच दस, दस आपके क्या हो गए नॉन पोलर, पांच आपके पोलर में आ गए, दो माइनस चार्ज वाले और तीन पॉजिटिव चार्ज वाले। तो यहाँ से आपके आपसे पूछा है डाई एमिनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसेंशियल एमिनो एसिडेज, कह रहा है इसमें से कौन सा डाई एमिनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसेंशियल एमिनो एसिड है। देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक अगर हम बात करें तो सारे के सारे, क्योंकि मैंने बोला बैकबोन में उनका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो सारे के सारे मोनोकार्बोक्सिलिक वाले हैं। पर डाई एमिनो की बात करें मतलब जहां पे दो एमिनो ग्रुप हो, दो एमिनो का मतलब एक तो एमिनो ग्रुप यहाँ पे है, सेकेंड एमिनो ग्रुप कहाँ पे होगा साइड चेन में होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ल्यूसीन आइसोलेसिन प्रोलिन और लाइसिन के अगर आप स्ट्रक्चर कंपेयर करेंगे तो ल्यूसीन में आप देख रहे केवल एक यहाँ पे अमीनो ग्रुप है, दूसरा साइड चेन में आपको नहीं मिलेगा। आइसोल्यूसिन में भी ऐसे दूसरा नहीं है। प्रोलिन के अगर हम स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो ये रहा प्रोलिन का स्ट्रक्चर, यहाँ भी केवल एक अमीनो ग्रुप है। डाई अमीनो अब हमारा बचता है लाइसिन, और लाइसिन में आप देखेंगे एक अमीनो ग्रुप इधर है एक अमीनो ग्रुप इधर है, तो यही आपका क्या हुआ डाई अमीनो, और ये मोनोकार्बोक्सिलिक और ये एसेंशियल अमीनो एसिड भी है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर इसका। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। द ट्रांस एमिनेज एक्टिविटी नीड्स द को एंजाइम, ट्रांस एमिनेज जो एक्टिविटी होती है पूछ रहा है वहां पे कौन से को एंजाइम की जरूरत पड़ती है, एटीपी, एफईडी, एनएडी प्लस और B6। तो जो ट्रांस एमिनेजेस रहते हैं, जो एंजाइम है अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, आप ये अमीनो एसिड के सिंथेसिस में आप पढ़ेंगे इसका, वहां पे इसको रिक्वायर क्या होता है कोएंजाइम पिरोडॉक्सल फॉस्फेट। जो पिरोडॉक्सल फॉस्फेट है PLP, या जिसको आप बोलेंगे पिरोडॉक्सल 5' फॉस्फेट या P5P भी आप बोलेंगे, इसका एक्टिव फॉर्म किसका है, ये एक्टिव फॉर्म विटामिन B6 का है। तो ये विटामिन B6 जो है आपका, यही इसको कोएंजाइम चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर चार पे आते हैं। द प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लूटामेट फैमिली एमिनो एसिडेज, ठीक है, कह रहा है जो ग्लूटामेट फैमिली वाले एमिनो एसिड्स हैं उसका प्रिकर्सर क्या है, 2-ऑक्सोग्लूटरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ऑक्सैलोएसीटेट और पाइरुवेट। अब देखिए मैंने वहां पे बताया एमिनो एसिड जब भी आप पढ़ेंगे तो एक तो वो क्लासिफिकेशन उसका जरूर पढ़ लीजिएगा, सेकेंड थिंग क्या है एमिनो एसिड का बायोसिंथेसिस वाला ये चार्ट है, ये इसका भी फिगर आपके पास होना चाहिए, कौन से एमिनो एसिड का कौन सा प्रिकर्सर होता है ये भी यूजली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज है, आप इसको क्या बोलेंगे फास्फोराइबोसिल पाइरोफॉस्फेट, ये इसका नाम है। अब इससे हिस्टिडीन बनता है, ओके। फिर हम आते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे ये जो है एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, ये किसका प्रिकर्सर है आपका, ये प्रिकर्सर है आपका ये थोड़ा सा एक्चुअली फिगर सही नहीं है, ठीक है, दूसरा फिगर आप देख लीजिएगा, ग्लूटामेट प्रिकर्सर्स फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड करके आप डालिएगा, कहीं पे आपको अच्छा फिगर मिल जाएगा, या तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा किसी अच्छे फिगर का, इसमें थोड़ा सा क्लियर कट नहीं है। जैसे अल्फा कीटोग्लूटरेट या जिसको 2-ऑक्सोग्लूटरेट भी कहते हैं, वहां पे आप देखेंगे ये देखो ग्लूटामेट उससे बनता है, अब ग्लूटामेट से ग्लूटामीन बनेगा, उसी से प्रोलीन बनेगा, उसी से ऑर्निथिन बनता है, ऑर्निथिन से सेट्रुलिन बनता है और ये आर्जिनिन, ये ग्लूटामेट फैमिली वाले हो गए, ठीक। तो ऐसा ही है कि अल्फा कीटो ग्लूटरेट से ग्लूटामेट फैमिली के मेंबर भी बनते हैं, शायद इससे ये जो ये सारे बन रहे हैं शायद इससे बन रहा है, ये क्लियर कट फोटो नहीं है ये, पर ग्लूटामेट फैमिली वाले किससे बनेंगे 2-ऑक्सोग्लूटरेट से। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम, देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। एमिनो एसिड डीकार्बोक्सिलेशन इज नॉट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ, कह रहा है कि एमिनो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन किसके सिंथेसिस में नहीं होता है, जब सेरोटोनिन बनता है ट्रिप्टोफान से, हिस्टामिन बनता है हिस्टिडीन से, या गावा बनता है ग्लूटामेट से, या ग्लूकुरोनिक एसिड के कह लीजिए सिंथेसिस में, तो आप देंगे ट्रिप्टोफान या हिस्टिडीन ग्लूटामेट सब एमिनो एसिड है, ये सब जो सारे इसके प्रोडक्ट बनते हैं ये एमिनो एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से ही बनते हैं, पर आप देंगे जो ग्लूकुरोनिक एसिड है इसके सिंथेसिस में डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस नहीं होता है, ये इसका वो रहा कि कैसे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से जो है ये बनता है आपका ग्लूकुरोनिक एसिड, यहाँ पे कहीं भी एमिनो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। प्रोटीन रिएक्ट विथ बायोरेट रेजेंट विच इज सजेस्टिव ऑफ 2 और मोर,
बायोरेट रीजेंट होता है आपका, आपने पढ़ा होगा बायोरेट टेस्ट, आल्सो नोन एज पायोट्रोवास्की टेस्ट इसे बोला जाता है। ये केमिकल टेस्ट है जिससे हम पेप्टाइड बॉन्ड जो है डिटेक्ट करते हैं। तो प्रोटीन जब रिएक्ट करता है बायोरिएट रीजन से, ये सजेस्ट क्या करता है, टू और मोर पेप्टाइड बॉन्ड्स के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन विच इज ऑल्सो एन एंजाइमेज, आपको ये बताना है मायोसिन एक्टिन ट्रिप्सिन ट्रोपोनिन जो भी ये सारे हैं, ये एक्चुअली मसल के मसल्स जब आपको पढ़ाया जाता है वहाँ पे सारी चीज़ें मसल कॉन्ट्रैक्शन में आप ये पढ़ते हैं, कह रहा है इसमें से आप कौन सा है जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो है देखिए, एक तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, प्रोटीन का हम कई टाइप से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स का, तो उसमें से मायोसिन एक्टिन ट्रिप्सिन ट्रोपोनिन, ट्रिप्सिन तो मान लीजिए एंजाइम है, ट्रोपोनिन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, एक्टिन भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, मायोसिन जो है ये भी आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, पर ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन होने के साथ साथ एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी रखता है, ये एक एटीपीएज है। ओके, तो मायोसिन ही करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम, पूछा है आपसे इंसुलिन क्या है। तो जब आप प्रोटीन पढ़ते हैं, प्रोटीन का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तो वहां पे आपको इंसुलिन आता है, या कॉमनली इंसुलिन बहुत पॉपुलर प्रोटीन है। तो इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है ना, तो ये फैट है ना कार्बोहाइड्रेट ना स्टेरॉइड। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस फॉर्म बिटवीन टू सिस्टीन रेसिड्यू एज अ रिजल्ट ऑफ, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये प्रोटीन है, और जब सल्फर रहता है वहाँ पे, जैसे सिस्टीन वगैरह हो गया जो एमिनो एसिड, प्रोटीन क्या होता है आपका एमिनो एसिड का पॉलीमराइज वो होता है, पॉलीमराइजेशन के बाद प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। तो वहाँ पे जो सिस्टीन वगैरह है जिसके साइड ग्रुप में आर ग्रुप है, वहाँ पे आपको सल्फर देखने को मिलेगा। तो ये सल्फर जब किसी और दूसरे सल्फर से रिएक्ट नहीं किए रहते हैं, तो वहाँ पे हाइड्रोजन उससे अटैच रहता है, SH के फॉर्म में रहता है, इसको डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनाना रहता है। डाइसल्फाइड का मतलब एक सल्फर दूसरे से इंट्रैक्ट करके ब्रिज बनाता है, तो उसमें एक दूसरे से इंट्रैक्ट करता है इसमें, और ये क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, सल्फर हाइड्रेट ग्रुप बोलते हैं। तो पूछ रहा है उसका ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, या ये जो बॉन्ड बन रहा है एमाइड फॉर्मेशन होता है या एसिड फॉर्मेशन होता है। जो सिस्टीन रेसिड्यू बन रहे हैं यहाँ पे, जो डाई सल्फाइड ब्रिज आपका बन रहा है, तो यहाँ पे जो सल्फर हाइड्रिल ग्रुप है इनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, मतलब एच इससे उड़ जाता है। ठीक, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डाइसल्फाइड ब्रिज मिलेगा अल्टीमेटली। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, व्हाट डज अ प्रोटीन लूज व्हेन इट डीनेचर्स, कह रहा है जब हम किसी प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर देते हैं, या कोई प्रोटीन डीनेचर जब होती है, तो वो क्या लूज करता है, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसका पेप्टाइड बॉन्ड, इट्स सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड और इट्स थ्री डायमेंशनल शेप। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन लूज नहीं करता है डीनेचुरेशन से, हीट डीनेचुरेशन हो गया 80 या 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप उसको हीट कर रहे हैं, तो उसका जो वीक बॉन्डिंग होती है, ठीक है, नॉन कोवेलेंट जो इंट्रैक्शन है वो ब्रेक होते हैं, जिससे वो अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाता है, जो भी उसका थ्री डायमेंशनल शेप वगैरह है वो वहाँ पे नहीं रहेगा, तो प्राइमरी फॉर्म में आ ही जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड भी रहता है, उसका सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड भी रहता है, जो जाता है वो आपको क्या जाता है, थ्री डायमेंशनल शेप, क्योंकि थ्री डायमेंशनल जो शेप होता है ये डिपेंड होता है आपका नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन से, जो कि वीक इंट्रैक्शन है, और जब आप किसी प्रोटीन का डीनेचुरेशन करेंगे तो यही जो वीक बॉन्डिंग होता है उसमें ये ब्रेक होगा, और इसकी वजह से उसका थ्री डायमेंशनल शेप जो है चला जाता है। नेक्स्ट पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पल्सेज इज हैविंग हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन, फिर जब भी आप पढ़ते हैं, या ये तो मान लीजिए बायोकेमिस्ट्री है, यहाँ भी आपको पढ़ाया जाता है, और कुछ कुछ जब आप इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ते हैं वहाँ भी आपको पढ़ाया जाता है कि क्या हमारे फूड हैं जो कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, फैट रिच होते हैं, या प्रोटीन रिच होते हैं, वहाँ भी आपको पढ़ाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन का कंटेंट होता है इनमें से जो दिया है, ग्राम, अरहर, सोयाबीन एंड मूंग, तो सोयाबीन जो है ये बेस्ट सोर्स होता है आपका प्लांट बेस्ड प्रोटीन का, एनिमल की यहाँ पे बात नहीं की गई है, प्लांट का ही नाम है। जो प्रोटीन कंटेंट है इस प्लांट में सोयाबीन में, वो 36 to 50% होता है उसके ड्राई वेट के। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, जो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 12 है, एन अल्फा हेलिक्स रिप्रेजेंट, एक अल्फा हेलिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ अ प्रोटीन, और टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, या एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसमें से प्राइमरी स्ट्रक्चर तो बिल्कुल नहीं है, एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन्स भी नहीं है। अब जब आप प्रोटीन पढ़ेंगे, एमिनो एसिड मैंने आपको बोला, एमिनो एसिड पढ़ लीजिएगा, उसका ये फैमिली कहाँ कहाँ से क्या क्या सिंथेसाइज होता है, कहाँ से उसका
और उसका आर ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। फिर आप पढ़ेंगे जब प्रोटीन, प्रोटीन में आपको बताया जाएगा कि एमिनो एसिड से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो उसका जब फॉर्मेशन तो होता है प्रोटीन, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे अभी आप आगे ही देखेंगे कि अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड सीरीज आपसे पूछा जाएगा ये क्या है। यहाँ पे जैसे पूछा गया अल्फा हेलिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जब एक जो एमिनो एसिड का एक सीक्वेंस एक दूसरे से जुड़ जुड़ के पॉलीपेप्टाइड बनाता है, उसके बाद जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो बनाता है, ठीक है, लोकल इंटरेक्शन जो उसमें जैसे हाइड्रोजन वगैरह हो गया, नाइट्रोजन वगैरह हो गया, एक दूसरे से इंट्रैक्ट करके उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें आपका आता है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट टर्न्स एक्सेट्रा जो भी है वहां पे आते हैं। तो अल्फा हेलिक्स क्या हुआ आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ये सर्टेन पार्ट्स ऑफ अ प्रोटीन। पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि जो भी पॉलीपेप्टाइड है वो आपका पूरा का पूरा अल्फा हेलिक्स में ही हमेशा रहेगा या बीटा प्लेटेड सीट में ही ऐसा रहेगा। ये सब डोमेन्स बनाते हैं, आप कह लीजिए लोकल कुछ पार्ट उसके अल्फा हेलिक्स में रहेंगे, कुछ टर्न्स के फॉर्म में रह सकते हैं, पूरा भी हो सकता है, पर ये सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्रोटीन यूजली पाए जाते हैं। आप किसी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें कुछ पार्ट उसका अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में रहेगा और कुछ बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में रहता है। ओके, तो ये था फर्स्ट पार्ट बायोकेमिस्ट्री का। सेकेंड पार्ट में लेके आऊंगा जहाँ पे और भी जो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं उसका भी हम डिस्कस करेंगे, उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन। तो चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।